नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल द अनपॉपुलर पॉडकास्ट। दोस्तों तो चलिए आज हम टिम फेरिस की 4 आवर वर्क वीक पर हमारी चर्चा जारी रखते हैं। तो दोस्तों आज भी हम कुछ नए और इंटरेस्टिंग विचारों और आइडिया पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो इस किताब में टिम फेरिस एफेक्टिव और एफिशिएंट इस बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, एफेक्टिवनेस क्या होता है? दोस्तों एफेक्टिवनेस ये होता है कि मान लीजिए आप कोई गोल को अकम्प्लिश करना चाहते हो, कोई लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आप ये सोचते हो कि आप क्या कार्य कर सकते हो जिससे आप आपका गोल अकम्प्लिश कर सके, और अकॉर्डिंगली आपका कार्य जो है उसे चुनते हो। एफिशिएंट ये होता है कि आप देखते हो कि आपका कार्य जो है उसे आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे कम समय में कर सकते हो या कैसे कम एनर्जी के साथ कर सकते हो। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं टिम फेरिस कि एफिशिएंट होना तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण है एफेक्टिव होना। क्योंकि अगर आपके जो कार्य है वो एफेक्टिव नहीं है तो आप बेमतलब के कार्य करते रहोगे। इसी आइडिया को आगे लेके जाते हुए वो एक लॉ या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपने भी शायद सुना होगा, जिसे कहते हैं 80-20 लॉ या परीटोस लॉ। तो ये लॉ या रूल कहता है कि आपका 80% ऑफ द आउटपुट जो है वो 20% ऑफ द इनपुट से आता है। मान लीजिए आपके पास स्टॉक्स है तो आप देखोगे कि आपका 80% ऑफ द प्रॉफिट जो है 20% ऑफ द स्टॉक्स से आएगा। या मान लीजिए एक कंपनी है तो आप पाओगे कि 80% ऑफ द आउटपुट 20% ऑफ द एम्प्लॉयज से आता है। और बहुत सारी जगहों में ये लॉ बहुत मेक सेंस करता है। तो टिम फेरिस कहते हैं कि हमें इस लॉ को हमारी लाइफ में अप्लाई करना होगा, और एक एग्जांपल देते हैं। उनका बिजनेस जब इनिशियल स्टेजेस में था तो बहुत अच्छा कर रहा था, और उनके पास एक स्टेज में 100 से भी ज़्यादा कस्टमर्स आ गए। तो वो हर हफ्ते 100 घंटे के ऊपर काम कर रहे थे। तब उन्होंने ये लॉ अप्लाई किया और उन्होंने पाया कि उनका 90% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ 5 कस्टमर से आ रहा था। तो उन्होंने ये किया कि उन 5 कस्टमर्स को उन्होंने ऑनबोर्ड रखा और बाकी कस्टमर्स को उन्होंने त्याग दिया। इससे ये हुआ कि हर हफ्ता जो 100 घंटा वो काम कर रहे थे, इसके पश्चात उन्हें सिर्फ 15 या 20 घंटा काम करना पड़ा। और उन्होंने ये देखा कि 5 कस्टमर्स में कॉमन क्या है, और उन्हीं के जैसा 3-4 और कस्टमर्स को उन्होंने ऑनबोर्ड ले लिया। इससे ये हुआ कि उनका टाइम भी सेव हुआ और उनका रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज हुआ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया या कंसेप्ट है जो हम भी हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम और इफेक्टिव हों। टिम फेरिस इस किताब में और एक लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। तो पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो, आपके पास जितना टाइम है वो कार्य उतना ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो मान लीजिए आप कोई गोल या कार्य करना चाहते हो और आपके पास सिर्फ 24 आवर्स है, तो आप देखोगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें एसेंशियल चीज़ क्या है, और फोकस करके 24 आवर्स में उसे ख़त्म करने का प्रयत्न करोगे। पर मान लीजिए अब आपके पास 1 हफ्ता है तो अब आप जो अनइम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उस पर और फोकस करोगे। अगर आपके पास 2 महीना है तो और भी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इतना ऐड नहीं करता है वैल्यू, आप उस पर और भी फोकस करोगे। तो पार्किंसंस लॉ यही कहता है कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो उसके साथ एक एसोसिएटेड डेडलाइन सेट करना इम्पॉर्टेंट है, और ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एसेंशियल्स क्या है और उन एसेंशियल्स को अकम्प्लिश करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा डेडलाइन सेट करेंगे, एक टाइट डेडलाइन, तब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे और ऐसे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होगा और हमारा गोल जो है उसे भी आसानी से अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रहे कुछ विचार और कुछ आइडियाज़ आज के लिए टिम फेरिस की 4 आवर वर्क वीक से। मैं आशा करता हूँ कि ये सुनकर आज आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। दोस्तों चलिए अगले वीडियो तक आपका ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू और नमस्कार।